कहती थी सातों जन्म तक मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगी, पर कल मेरे बाइक का टायर पंचर हुआ तो वो रिक्शा से चली गई। भाई गोवा का प्लान बनाते हैं ना फिर, जब कैंसिल ही करना तो लंदन का बना लेते हैं। गाइज इंस्टाग्राम के सूत्रों से खबर आई है, अब आप अपने दोस्त को रील शेयर करके करवा सकते हो उसकी जिंदगी बर्बाद। मोबाइल आया सिनेमा खत्म, मोबाइल आया रेडियो खत्म, मोबाइल आया टॉर्च खत्म, मोबाइल आया MP3 खत्म, मोबाइल आया कंप्यूटर खत्म, आपका मोबाइल पत्नी के हाथ आया आप खत्म। अगर आपकी पत्नी शांत स्वभाव की है तो ये खुश होने वाली बात नहीं है, बल्कि चिंता का विषय है, क्योंकि हाई क्वालिटी के रिवॉल्वर में ही साइलेंसर होता है। इंस्टाग्राम बहुत सही चीज है, अगर मैसेज डिलीट कर दो तो भी सामने वाले को चुगली नहीं करता कि हमने मैसेज डिलीट किया है। और व्हाट्सएप तोबा तोबा, बिल्कुल पड़ोस वाली आंटी हो रखा है, बिल्कुल ढोल पीट देगा, मैसेज डिलीट हो गया। भाई लड़कियां झूठ बोलती है क्या? नहीं, लड़कियां कभी झूठ नहीं बोलती। ये तू कैसे कह सकता है? यार जब शादी होती है तो लड़का लड़की के घर वालों को नहीं बोलता कि मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा? कभी लड़की के मुंह से ये सुना है कि लड़के के माँ बाप को बोलती हो कि मैं आपके लड़के को खुश रखूंगी? क्यों? क्योंकि लड़कियां कभी झूठ नहीं बोलती। पता नहीं कौन सा मौसम चल रहा है, पंखा चलाकर कंबल ओढ़ कर सोता हूँ, टी शर्ट में घूमता ठंडा पानी पीता हूँ। तो भाई वो 5 साल मेहनत करने के बाद मैं कल कौन बनेगा करोड़पति में गया, तो भाई पहले ही सवाल गलत हो गया थोड़ा। इंसान हर मुश्किल से निकल सकता है, लेकिन जहाँ पर बहन ने पोंछा लगाया हो वहाँ से कभी नहीं निकल सकता। एग्जाम में 90% ला के अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का सपना लगता है सपना ही रह जाएगा मेरा। जिस हिसाब से परीक्षा गया उस हिसाब से तो पास हो जाए उतने बहुत बड़ी बात है। गाइज लड़की को अपने प्यार में फंसाने का सबसे आसान तरीका, पढ़ लो सालों पेपर आ रहे हैं। मजा आया।